हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ साथियों बहुत अच्छे होंगे। मैं DRX विकास आप सभी का DP प्रो एजुकेशन परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत दिनों से वेट हो रहा था, सर RUHS फार्मेसी 2024 के फॉर्म कब आने वाले हमें बता दीजिए। तो आखिरकार आप सभी के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी आ चुकी है। सभी का इंतजार खत्म हो चुका है साथियों, आपके फॉर्म वो आउट हो चुके हैं। इन फॉर्म से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं A to Z वन बाई वन डिटेल्ड मैं आपको बताऊँगा साथियों, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक बिना स्किप करते हुए देखना होगा कि पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन समझ में आ सके। साथियों, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वीडियो को स्किप करते हुए और शॉर्ट करते हैं, ठीक है। मैं हमारे हित के लिए नहीं बोल रहा, मैं बच्चों के हित के लिए हमेशा कार्य करता हूं। मैं आपको सच में ऐसी इंफॉर्मेशन बताऊंगा कि आपको गलत न्यूज भी मिलती है कहीं से, तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी होगी, ठीक है। आपको आसानी से कॉलेज मिलेगा, सारी इंफॉर्मेशन वन बाई वन बताऊंगा साथियों, लेकिन वीडियो को एंड तक देखना। और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेना। वहां से आपको नोटिस वगैरह सारी मिल जाएगी, क्योंकि ये फॉर्म है ये आज ही आउट हुए हैं साथियों। मैंने आपको तुरंत है जो टेलीग्राम ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दिया था, बट कुछ रीजंस की वजह से वीडियो लेट हो जाती है, तो मैं आपको वहां पे तुरंत इन्फॉर्म कर देता हूं साथियों। तो बात करने वाले हैं हम आज किसकी, RUHS फार्मेसी 2024 के फार्म आउट हुए हैं जिनकी, किसके लिए, डी फार्मा और वी फार्मा, क्या कट ऑफ रहने वाली है, कितने गवर्नमेंट कॉलेज है, कितने प्राइवेट कॉलेज है, क्या फीस रहने वाली है साथियों, आपका एग्जाम कितने टाइम का होगा, क्या सिलेबस आने वाला है, कितने क्वेश्चन रहेंगे, कौन कौन इसमें एलिजिबल है, कितनी एज क्राइटेरिया है, सब चीज को लेकर हम वन बाई वन बात करने वाले हैं साथियों। तो नो टेंशन रहना बाकी, ठीक है। चलिए कौन कौन बच्चा है इसमें फॉर्म में अप्लाई करता है। तो फॉर्म शुरू हो चुके हैं, तो बात करेंगे न्यू सिलेबस और एग्जाम डेट की मोस्टली, ठीक है, संपूर्ण जानकारी। तो साथियों, बिना टाइम वेस्ट करते हो, अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना भाई, ठीक है, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा आपको। चलिए, तो आपका सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ किसके बारे में, आपके जो फॉर्म आउट हुए उसके बारे में। साथियों, आप देख सकते हो यहाँ पे प्रवेश परीक्षा विज्ञप्ति शैक्षणिक सत्र 2025-24 के फॉर्म आउट हो चुके हैं साथियों। किसके लिए, फार्मेसी प्रवेश परीक्षा स्नातक और डिप्लोमा पाठ्यक्रम, यानी डिग्री और डिप्लोमा दोनों के फॉर्म है वो एक साथ ही आउट होते हैं साथियों, ठीक है। RUHS फार्मेसी के दोनों फॉर्म वो एक साथ आउट होते हैं, वी फार्म और डी फार्मा का एक ही कॉमन एग्जाम होता है दोनों का, ठीक है। तो आप देख सकते हो शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र निम्नानुसार आमंत्रित किए जाते हैं साथियों, ठीक है। आप दिनांक देख सकते हो, कब निकला है, ये निकला है जो 29 को निकला है, ठीक है, 29 तारीख को ये फॉर्म आउट है, बट वेबसाइट पर अभी भी नहीं आया, बट आपको हमारे पास आते हैं हम तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, अभी वेबसाइट पर नहीं आया बट आ जाएगा, ठीक है साथियों। तो आप देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी होने वाली है वो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की तिथि प्रारंभ हो रही है वो 31 तारीख से, यानी कि आज से आपके फॉर्म वो स्टार्ट हो रहे हैं 5:00 PM से साथियों, ठीक है। और देखिए आवेदन शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि है जो कि नियम पुस्तिका में अधिकतम निर्धारित तिथि अनुसार, यानी नियम पुस्तिका में अधिकतम निर्धारित तिथि है 30, ठीक है, लेकिन आपको ऑनलाइन आवेदन वो तुरंत जमा करवा देना होगा, ऐसा कोई इश्यू है नहीं है इसमें। बाकी देखते हैं आपके फॉर्म कब तक चलेंगे साथियों। तो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या है, 23, ठीक है, 23 सितंबर तक आपके फॉर्म चलने वाले हैं रात के 12 बजे तक साथियों। तो देरी नहीं करनी आपको, आज फॉर्म अप्लाई नहीं करना है आपको, एक दो दिन बाद से फॉर्म अप्लाई कर देना है सभी स्टूडेंट को मोस्टली, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा पीछे भी नहीं जाना है, ज़्यादा आगे भी नहीं जाना है। और आपका जो फॉर्म की जो फीस लगने वाली है साथियों, जो कॉस्ट रहने वाली है, समथिंग 2000 रुपये आपकी फॉर्म की फीस लगेगी, ठीक है। सभी साथियों को मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती हो जाती है, आपको करेक्शन करना है, तो आवेदन फॉर्म में त्रुटि या फिर भूल सुधार हेतु आपकी करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी 27 सितंबर से और 30 सितंबर तक आप करेक्शन कर सकते हो आपके फॉर्म में कोई भी गलती हो जाती है तो, ठीक है। और आपकी एग्जाम होगी वो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड होगी, CBT बेस्ड बच्चों आपकी एग्जाम होने वाली है, कंप्यूटर बेस्ड, ये कि आपकी एग्जाम है वो OMR सीट पर नहीं होगी, ठीक है, आपकी OMR सीट पर एग्जाम नहीं होगी, ये कंप्यूटर पर आपकी एग्जाम होगी और ओनली फॉर इंग्लिश मीडियम में होने वाली है, ना कि ये हिंदी मीडियम में होगी साथियों, ध्यान रखना हिंदी मीडियम में नहीं होती है, ये ओनली फॉर इंग्लिश मीडियम में होती है। सारी इन्फॉर्मेशन बताऊँ मैं कहाँ से क्या पढ़ना होगा, कैसे तैयारी करनी होगी सारी, बट वीडियो को एंड तक देखना होगा लड़ लो, ठीक है। चलिए, और ये देखिए आपकी जो आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन ही है, एलिजिबल है वो आपको पता है कि ऑनलाइन ई मित्र के माध्यम से हमें आवेदन कर देना होगा, ठीक है। अगर कोई भी स्टूडेंट आवेदन करवाना चाहता है हमारे द्वारा भी तो करवा सकता है साथियों, ठीक है। हमारे जो हेल्पलाइन नंबर दिए हुए इन पर मैसेज करके 7877677460 पर व्हाट्सअप मैसेज करके आवेदन करवा सकता है, ठीक है। अगर करवाना चाहता है तो मैं डॉक्यूमेंट्स भी बताऊँगा आपको क्या क्या आवेदन के लिए डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब आप आवेदन किस पर करेंगे वो देख लीजिए। चलिए देख
देखते हैं आपके फॉर्म किस वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। आप देखिए फॉर्म फिलिंग के लिए कौन सी वेबसाइट पर आपको जाना होगा। अगर आप करना चाहते हो तो आप खुद भी कर सकते हो, ई मित्र के माध्यम से करवा सकते हो, और आप हमारे द्वारा करवाना चाहते हो तो आपको 7877677460 पर व्हाट्सअप मैसेज करके भी आप करवा सकते हो साथियों। ठीक है, किस वेबसाइट पर करवाना होगा आपको ऑनलाइन आवेदन, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, इस पर आपको ऑनलाइन आवेदन करवाना होगा साथियों। ठीक है, देखिए www.ruhsraj.organization.ruhs की ऑफिशियल वेबसाइट पर इस पर जाकर आप आवेदन कर सकते हो साथियों। ठीक है, अब बात आती है सर हमें और भी डिटेल एनालिसिस बताइए। ठीक है, डिटेल एनालिसिस आपको चलिए बता देते हैं। तो साथियों सबसे पहले आपका क्वेश्चन निकल रहा है कि आपके एग्जाम जो फॉर्म जो स्टार्ट हो रहे हैं, एग्जाम फॉर्म वो स्टार्ट हो रहे हैं 31/8 से साथियों। ठीक है, लास्ट डेट कब है आपकी? लास्ट डेट है लाड लो आपकी 23/9 तक आपके फॉर्म चलने वाले हैं। ठीक है, 23/9 तक लगभग 23-24 दिन आपके फॉर्म चलेंगे, तो ऑनलाइन आवेदन कर ही देना, वेबसाइट मैंने आपको बता दिया। अब सर सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बताइए हमें कि एग्जाम कब तक हो सकते हैं। देखिए एग्जाम का मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम कब तक होंगे आपके लाड लो, तो अभी एक महीने तक तो आपके फॉर्म वगैरह का प्रोसेस होने वाला है साथियों। ठीक है, क्योंकि 30 सितंबर तक तो आपकी करेक्शन विंडो ओपन है, यानी एक महीना तो सीधा सीधा 30 दिन का ये मिल गया। इसके बाद में बच्चों कम से कम 15 दिन और यूनिवर्सिटी लेती है, यानी कि आपके पास में टोटल कितने दिन है, 30 और 15, टोटल 45 दिन आपके पास में बच रहे हैं। यानी कि आपकी एग्जाम होगी वो कब तक होगी, यानी कि आपकी एग्जाम होगी वो 15 अक्टूबर के समथिंग होगी। ठीक है, 15 अक्टूबर के इर्द गिर्द होगी साथियों। जो मैं आपको डेट बता रहा हूँ वो बिल्कुल एक्सपेक्टेड डेट बता रहा हूँ। ठीक है, 15 अक्टूबर तक आपकी एग्जाम है वो कंडक्ट हो जाएगी। अब और भी आपको डिटेल एनालिसिस देते हैं चलिए। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें एलिजिबल कौन है, एलिजिबल कौन है देख लेना भाई। ठीक है, तो इसमें एलिजिबल बोथ बॉयज़ एंड गर्ल दोनों हैं, बॉयज़ और गर्ल दोनों क्या है इसमें एलिजिबल है, बॉयज़ और गर्ल। आप बायो से तो भी अप्लाई कर सकते हो, मैथ से तो भी आप अप्लाई कर सकते हो साथियों। ठीक है, बायो मैथ बॉयज़ गर्ल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, और आपकी एज है वो कम से कम 17 ईयर होना जरूरी है। ठीक है, अपर एज लिमिट हटा दी गई है लेकिन कम से कम 17 होनी जरूरी है। 17 कब तक लाड लो आपकी, 2007 से आपकी डेट ऑफ बर्थ पहले की, तो आप आसानी से अप्लाई कर सकते हो, मगर 2007 के बाद की अगर डेट ऑफ बर्थ है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो लाड लो। ठीक है, और सर इसमें फॉर्म कहाँ कहाँ के अप्लाई कर सकते हो, तो इसमें ऑल इंडिया जो राजस्थान के फार्मेसी के एग्जाम है उसमें ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया के स्टूडेंट लाड लो। ठीक है, सारे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इसमें। अब सर अप्लाई तो कर सकते हैं, एग्जाम कितने हावर का होता है, तो एग्जाम होता है 2 आवर का, 2 घंटे का आपका एग्जाम होता है। ठीक है, 2 घंटे का आपका एग्जाम होता है जिसमें 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, 100 नंबर के आपके क्वेश्चन होते हैं। ठीक है साथियों, सर सब्जेक्ट क्या रहता है, सिलेबस, तो सिलेबस की अगर बात करें हम लाड लो तो ओनली फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री इसमें पूछी जाती है, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री इसमें पूछी जाती है, अदर सब्जेक्ट से वो नहीं आती है, ध्यान रखना, ओनली फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री इसमें पूछी जाती है, फिजिक्स केमिस्ट्री। ठीक है, 50-50 नंबर की, कितने 50-50 नंबर की, नो नेगेटिव मार्किंग, आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं है इसमें, तो आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर लगाना होगा। सीबीटी बेस्ड कंप्यूटर पर आपका एग्जाम होता है साथियों, पता है आपको। ठीक है, और आपका सेंटर कहाँ रहता है, सेंटर की अगर बात करें लाडलो तो आपका सेंटर रहता है वो ओनली फॉर जयपुर में रहता है। कहाँ रहता है सेंटर आपका, ओनली फॉर जयपुर में रहता है, जयपुर के अलावा कहीं भी आपका सेंटर नहीं जाता है। ऑल इंडिया से अगर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो ठीक है, तो आपको सेंटर जयपुर में रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं सर इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए इसके फॉर्म फिलिंग के समय, तो डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है इसमें, ओनली फॉर 10th की और 12th की मार्कशीट की रिक्वायरमेंट होती है, 10th की और 12th की मार्कशीट की, और आपके पासपोर्ट साइज फोटो। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर, जो कि बहुत सिंपल प्रोसेस है साथियों, RUHS का अदर स्टेट के कंपेयर में अगर देखा जाए तो बहुत सिंपल प्रोसेस है। अगर आप अदर का देखोगे ना, अदर का तो बहुत हैवी प्रोसेस है भाई। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, और आप देखिए 11th 12th का अगर सिलेबस की बात करें तो इसमें 11th 12th की आती है, फिजिक्स केमिस्ट्री आती है ना, 11th 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट आती है 50-50 नंबर की, बायोस में नहीं पूछी जाती है, और इंग्लिश में आपका पेपर आता है साथियों। ठीक है, अब ऐसे मत घबराना सर इंग्लिश में हमें कुछ भी नहीं आता है लाड़ लो, देखिए जो वैकेंसी टोटल सीट होती है ना वो 5000 के समथिंग सीटें हैं डी फार्मा की और बी फार्मा की, लेकिन इतने बच्चे फॉर्म ही अप्लाई नहीं करते क्योंकि इसमें ज्यादा डिफरेंस है नहीं है। ठीक है, बहुत कम बच्चे फॉर्म अप्लाई करते, तो जो स्टूडेंट्स हैं जो घबरा रहे ना, तो भाई जो आप 20 नंबर भी ले आओगे ना तुक्के वक्के लगा के, तो भी आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। ये आपके भाई से बिल्कुल वादा कर रहा है, आप सिलेक्शन लोगे ना उसके बाद में मेरे को याद करोगे कि भाई ने सही बोला था, क्योंकि मैं खुद फार्मेसी करके आके बैठा हूं साथियों, मेरे खुद के तुक्के लगाए थे, मेरे पे एक भी क्वेश्चन नहीं आता, मेरे खुद के 31 नंबर आया और मेरे को जयपुर का महात्मा गांधी कॉलेज अलॉट हो गया था साथियों। ठीक है, तुक्के लगा के, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा ना ही कुछ जानते थे, हमको तो इतना गाइड करने वाला भी कोई नहीं था, हम तो हिंदी तक पढ़ गए थे, बायोलॉजी तक पढ़ गए थे, लेकिन वहां पर ओनली फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री देखने को मिलती है। तो साथियों आपके 15-20 नंबर जितने भी आते हैं ना, क्योंकि देखिए 5000 टोटल
टोटल फॉर्म ही नहीं आते जितने बच्चे होते हैं, तो सबको क्या है सीट अलॉट हो जाती है। अब क्यों नहीं होती है सर, और जो बाकी सीट है प्राइवेट कॉलेजों में खाली रह जाती है, तो बाद में फिर उनको डोनेशन से भरनी पड़ती है। तो साथियों बिल्कुल नो टेंशन रहो, ठीक है। बात करते हैं सर प्राइवेट कॉलेज में कितने हैं, प्राइवेट कॉलेज कितने हैं, तो साथियों 300 प्लस आपके प्राइवेट कॉलेज हैं, डी फार्मा के वी फार्मा के 300 प्लस प्राइवेट कॉलेज हैं, ठीक है, 300 प्लस प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है। अब वहीं बात करें अगर गवर्नमेंट कॉलेजों की हम, तो गवर्नमेंट कॉलेज कितने, गवर्नमेंट कॉलेज डी फार्मा के गवर्नमेंट कॉलेज है दो, एक तो RUHS जयपुर का राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जो कि अभी बना, एक पहले का था SMS, दो गवर्नमेंट कॉलेज है साथियों, दो गवर्नमेंट कॉलेज हैं डी फार्मा के, ठीक है। और अगर वी फार्मा की बात करें तो वी फार्मा का गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, ओनली फॉर प्राइवेट कॉलेज है वी फार्मा के, ठीक है। बट फीस की अगर बात की जाए आपकी, तो SMS कॉलेज में फीस है वो नामात्र की लगती है 10,000 से 15,000 रुपये SMS में और RUHS में साथियों, ठीक है, नामात्र की फीस लगती है जो कि रिफंडेबल भी होती है, यानी कि फ्री में आपको करनी है। तो आपको देखिए साथियों कट ऑफ की भी मैं वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूँ और भी नेक्स्ट बता दूंगा। अगर आप 60 प्लस नंबर लेकर आते हो प्रिपरेशन करके, तो आपको आसानी से 60 या 50 प्लस में आपको आसानी से गवर्नमेंट कॉलेज है वो मिल जाएंगे साथियों, दोनों गवर्नमेंट कॉलेज इसमें 60-60 सीटें हैं, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज RUHS की और उसकी, ठीक है, SMS की। चलिए वहीं अगर बात करें हम सर 60 नंबर पे मिल जाएगा कॉलेज, तो आप 15 नंबर भी ले आओगे ना, तो भी आपको प्राइवेट आसानी से अलॉट हो जाएगा जो आप लेना चाहते हो, काउंसलिंग के समय भरना होता है। अब सर बात करें इसकी फीस कितने होती है, कितनी होती है इसकी फीस है जो गवर्नमेंट कॉलेज के अलावा प्राइवेट, गवर्नमेंट में 10-15 हज़ार रुपये होती है, प्राइवेट में साथियों इसकी फीस होती है ना वो 60,000 रुपये इसकी फीस होती है, कितनी 60,000 रुपये, और टोटल आपकी क्वेश्चन मनी वगैरह टोटल आपकी मतलब 70 के समथिंग आपकी फीस पहुँच जाती है, ठीक है, 70 के समथिंग आपकी फीस पहुँच जाती है अगर आप काउंसलिंग के थ्रू जाते हो तो, ठीक है, 70 के समथिंग, क्योंकि आपको उसमें किट कॉलेज की कुछ बुक्स सारी चीज़ों की फीस इंक्लूड होती है, कुछ 7-8 हज़ार रुपये कौशल मनी है वो भी इंक्लूड होती है, तो टोटल 70,000 रुपये डिप्लोमा वालों के लिए। वहीं अगर डिग्री की बात करें तो डिग्री की फीस सीधी 1,00,000 रुपये होती है साथियों, कितनी 1,00,000 रुपये डिग्री की फीस होती है सीधी सीधी, ठीक है। तो आपको 1,00,000 रुपये तो वी फार्मा की फीस होगी प्राइवेट में, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज इसका है नहीं है। आप अगर 60 नंबर भी ले आते हो तो डी फार्मा वालों को गवर्नमेंट कॉलेज आसानी से मिल जाएगा, वहीं वी फार्मा वालों को देखिए सीट तो सबको मिल जाएंगी, बिल्कुल नो झिझक, बेटेंशन रहो भाई, ठीक है। और लास्ट में सीटें खाली भी रहती है भाई प्राइवेट कॉलेजों में, क्योंकि काउंसलिंग से 2-2, 4-4 सीटें फ्लॉप आती है, तो लास्ट में क्या है आपको एडमिशन और भी मिल जाता है लास्ट में अगर एडमिशन लेना चाहता है तो। और फार्मेसी का अगर एडमिशन की बात करें ना, प्राइवेट तो चलते रहते हैं भाई हमेशा 12 महीने चलते रहते हैं साथियों, ठीक है, 12 महीने चलते रहते हैं लाडलो। अब आपकी फीस की बात हो गई, ठीक है, आपकी कट ऑफ की बात हो गई, कट ऑफ आपकी बिल्कुल 20 नंबर पर भी कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन साथियों अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो ना प्लीज़, तो यार वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के पास में, ताकि वो भी ये डाउट क्लियर कर सके साथियों, ठीक है। सेशन को एक बार शेयर जरूर कर देना क्लास को साथियों, और हमारे चैनल पर अभी तक नहीं जुड़े हो तो आपको फार्मेसी के एग्जाम डेट अभी तक कोई भी इंक्लूड नहीं की गई है इसमें, एग्जाम डेट अभी नहीं दी गई यूनिवर्सिटी के द्वारा, बट जैसे ही एग्जाम डेट आएगी तो मैं तुरंत आपको इसी चैनल पर साथियों आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, न्यूज़ प्रोवाइड कराऊंगा। आपने टेलीग्राम व्हाट्सअप ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ पर ज्वाइन कर ले, वहाँ पर नोटिस आते मैं तुरंत आपको डाल दूंगा। देखिए मैंने वीडियो प्रोवाइड कराया था फॉर्म के ऊपर आपके भाई के द्वारा आपको बताया गया था, बहुत से बच्चे मैसेज कर रहे थे, उनका इंतजार खत्म हो चुका है। अब आपकी रही एग्जाम डेट, आगे जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, एग्जाम डेट कब काउंसलिंग होती है कब क्या प्रोसेस रहता है, सारी इंफॉर्मेशन इसी चैनल पर देता हूं, इसलिए चैनल के साथ में जुड़ जाना अभी तक नहीं जुड़े हो तो साथियों, ठीक है। बाकी मैंने सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो देखिए हमारे पास में प्रिपरेशन मटेरियल अवेलेबल नहीं है, बट मैं तो कहता हूं प्रिपरेशन करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 5,000 सीटें तो 5,000 फॉर्म ही नहीं आते, तो आप आसानी से आप नंबर ला सकते हो। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो उसके लिए साथियों आपको प्रिपरेशन करनी होगी, अगर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो प्रिपरेशन करनी होगी। और इंग्लिश मीडियम में पेपर होता है, ये जरूर ध्यान रखना, कहीं आप हिंदी पढ़ के चले जाओ, इंग्लिश मीडियम में पेपर होता है आपका, कंप्यूटर बेस्ड आपका पेपर होता है साथियों, ठीक है। 2,000 रुपये आपकी फीस लगेगी फॉर्म फीस, काउंसलिंग के समय आपकी 10,000 रुपये समथिंग लगती है भाई, ठीक है। चलिए बाकी बता दीजिए मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक बार हमारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए और सेशन को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। बाकी चलते हैं करते हैं लाइव क्लास को स्टॉप, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। साथियों सेशन को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के पास में, ऐसी और भी मज़ेदार न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल के साथ में जरूर जुड़ जाना, थैंक यू।